Good morning, students. Today we'll start the new chapter. The chapter name is Perimeter and Area. Okay, chapter 11 है. अब सबसे पहले इसकी हम इंट्रोडक्शन करते हैं. चैप्टर शुरू करने से पहले इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस चैप्टर में. अब पैरामीटर्स क्या होते हैं और एरिया क्या होता है. ओके, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामीटर की. पैरामीटर, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर आपको एक ट्राइंगल दिया है, सो दिस इज़ अ ट्राइंगल, और इसका और इसके साइड्स दे दी 2 सेंटीमीटर दे दी. सपोज दैट दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर. ओके, आई एम जस्ट सपोज दैट ये ट्राइंगल है और इसकी 3 साइड्स हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 4 है. तो इसका पैरामीटर निकालिए. पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. इनकी तीनों साइड्स को मैं सम कर दूंगी तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा मेरे पास. सी दिस इज 2 + 3 + 4, तो ये कितना हुआ इसका पैरामीटर? 9 सेंटीमीटर. समझ आया? तो पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड. अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की तीनों साइड को प्लस कर दो. अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. अगर सपोज दैट ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी. तो अगर हमें इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कहा जाए, पैरामीटर कहा जाए, तो क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स सेम, दैट इज 3 + 3 + 3. तो ये कितना आया आपका? 9 सेंटीमीटर. ओके, पैरामीटर की बात करते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे स्क्वायर हो. अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की. ओके, तो ये रेक्टेंगल है हमारा. अब ये क्या होता है? लेंथ होती है. तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये विड्थ है और ये विड्थ है. ये लेंथ दोनों इक्वल होती है, विड्थ दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ओके, तो इसका जो पैरामीटर रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ, क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल द साइड्स. अगर इसका पैरामीटर बोला जाए, सी पैरामीटर बोला जाए तो आप ऐसे लिखेंगे ना यहाँ पे. सी एल प्लस एल, मैं दो बार, ये एल दो बार है, इन दोनों को एल कर दिया. यहाँ पे बी प्लस दो बार बी है तो मैंने क्या लिख दिया? एल प्लस एल बी प्लस सी. अभी जस्ट मैंने बोले ये पैरामीटर सम ऑफ ऑल द साइड, चाहे वो ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो. अब ये कितना हो गया आपका? एल प्लस एल दैट इज 2L और बी प्लस बी दैट इज 2B. अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2 कॉमन निकाल लेंगे. और यहाँ पे अगर इन दोनों में से 2 कॉमन आया तो यहाँ क्या रह गया? सिर्फ L. और यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे, तो क्या रहा यहाँ पे? B. तो क्या फॉर्मूला? 2 एंड ब्रैकेट L प्लस B देन ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, ये पैरामीटर का फॉर्मूला होता है. वैसे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट हम क्या करते हैं? मोस्टली हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है. अब हम बात करते हैं स्क्वायर की. अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो दिस इज़ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है. तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, जस्ट वेट. अब स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, उसको स्क्वायर कहते हैं. अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर. यूनिट्स चाहे मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो. ओके, तो अब ये क्या कहा? मैंने क्या बोला? स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 + 2 + 2 + 2, तो ये कितना हुआ? 8. तो ये 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया. ओके, बट हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? अगर सपोज दैट अगर हम स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं सपोज दैट यहाँ पे ए ले लेती हूँ, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है. तो अब पैरामीटर निकालना हमें बोला जाता है कि इसका पैरामीटर निकालिए. तो पैरामीटर क्या होता है? ऑब्वियसली सम ऑफ ऑल द साइड्स. ये कितना हुआ? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए. तो ये कितने टाइम्स आया? ये 4 टाइम्स आ गया, तो 4A. तो A क्या है यहाँ पे? A इज़ अ साइड, मतलब ये साइड है ना इसकी, तो वो कितनी भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, वो डिपेंड करता है. तो ये 4 × साइड, तो इस पैरामीटर क्या होता है? 4 × साइड, ऐसे ही लेते हैं ना हम. तो ये आपका फॉर्मूलाज है पैरामीटर निकालने के. ठीक है, फिर आता है हमारे पास एक सपोज पैरलोग्राम आता है. ठीक है, दिस इज अ पैरलोग्राम, दिस इज पैरलोग्राम. तो पैरलोग्राम भी एक रेक्टेंगल
जैसा ये, जैसे दिस इज अ पैरलोग्राम. पैरलोग्राम भी क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल. और इसकी भी पैरलोग्राम में भी क्या होगा, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल. ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ है. ओके, रेक्टेंगल में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, बट यहाँ पे इसके 90 डिग्री एंगल नहीं बनता, वर्टिसेस पे एंगल नहीं बनता, किसके, पैरलोग्राम पे. तो अगर इसका भी आपको पैरामीटर बोला जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन आए पैरामीटर्स का, पैरामीटर सॉरी पैरलोग्राम दिए और आपकी उसको लेंथ और विड्थ दिए, तो उसका पैरामीटर निकाल लें. तो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसने मैम ने फॉर्मूला तो बताया नहीं. तो सेम ही होगा इसका फॉर्मूला, दैट इज 2l प्लस बी होगा. ओके, तो ये चीज़ें जो है पैरामीटर्स वाली, ये आपको एकदम से ध्यान में रखना है. ओके, फिर हम बात करते हैं, अगर सपोज दैट हमारे पास ये, तो किसकी बात आई है, ये ट्राइंगल और इसकी आई है. अब अगर मैं बात करूँ सर्कल की, ठीक है, तो जब हम सर्कल की बात करते हैं, दिस इज अ सर्कल, दिस इज सर्कल. ओके, तो अगर इसका पैरामीटर कहा जाए कि पैरामीटर क्या होता है, तो इसमें पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस. ठीक है, दिस इज सर्कमफेरेंस. तो सर्कमफेरेंस क्या होता है इसका, 2πr. ओके, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr, इसका मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री. तो सर्कमफेरेंस, जैसे हम पैरामीटर क्या बोलते थे, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, उनका सम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसकी ये जो बाउंड्री की जो लेंथ होगी ना, वो उसको क्या कहेंगे, इसका सर्कमफेरेंस. और सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला था, 2πr, वेयर r इज अ रेडियस. ठीक है, अगर मुझे इसका पैरामीटर निकालना, मीन सर्कमफेरेंस निकालना, तो एक थ्रेड लेंगे, थ्रेड को यहाँ पे चिपकाएंगे, फिर उतना लेके यहाँ से इतना करके उसको तोड़ लेंगे, फिर उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं ना. तो इसका ये क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है. ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, ये ही चीज़ पढ़ोगे आप. आप पढ़ोगे एक ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल के बारे में, देन रेक्टेंगल, देन स्क्वायर, देन पैरलोग्राम, देन सर्कल. इसका तो पैरामीटर भी पढ़ोगे. अब हम बात करते हैं एरियाज के बारे में. ओके, अब शुरू करते हैं एरियाज क्या होते हैं. जैसे ये ट्राइंगल है, ओके, सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल लिया, तो मुझे इसका एरिया निकालना है. तो एरिया के लिए मुझे इस ट्राइंगल की क्या चाहिए होती है, हाइट चाहिए होती है. तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ लाइन. ओके, सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और मान लीजिए ये क्या है, डी है. ओके, तो अब हम क्या कहेंगे, हाइट चाहिए होती है मुझे इसकी. तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलूँगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो विच इज इक्वल्स टू हाफ बेस, बेस मतलब ये, दिस इज अ बेस पूरा, बी सी और इंटू हाइट, हाइट क्या है ये, ए डी, इंटू ए डी. ओके, तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला होता है इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, हाफ बेस इंटू हाइट. तो इससे आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो एरिया. ठीक है, तो क्या दो चीज़ें चाहिए, बेस होना चाहिए और हाइट होगी. बेस और अगर हाइट है तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की. तो अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, सो दिस इज द रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल है. ओके, सो दिस इज लेंथ, ये मैंने जस्ट अभी बताया. अब मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कितनी उसकी लेंथ है और कितनी उसकी ब्रेथ है, इट मीन्स एल इंटू बी. एल इंटू बी क्या होता है, एरिया निकालना. ठीक है, एरिया अगर किसी चीज़ का निकालना है आपको, जैसे रेक्टेंगल का, तो क्या करते हैं, कितनी उसकी लेंथ है और कितनी उसकी ब्रेथ है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा. अगर हम बात करते हैं, आप स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर, तो दिस इज अ शेप ऑफ स्क्वायर. ओके, दिस इज अ शेप ऑफ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है. तो अगर ये दिस इज, मैं साइड्स ले लेती हूँ, ए ए ए. ओके, तो अब बस सिंपल सा ये एरिया ऑफ स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे क्या था, जब रेक्टेंगल की बात करी थी तो इसमें लेंथ और विड्थ थे. अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें, तो ये जो इसकी चारों साइड्स हैं वो क्या है, मैंने साइड को क्या ले लिया, ए ले लिया. तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना क्या होता, फॉर्मूला, दैट इज साइड इंटू साइड. तो साइड को तो मैंने ए लिया यहाँ पे, तो इसका मतलब ए इंटू ए. यहाँ पे क्या था, लेंथ थी और विड्थ थी, तो एल इंटू बी कर दिया यहाँ पे. यहाँ पे तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ए इंटू ए, सो विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ओके, अब हम बात करते हैं इसका पैरलोग्राम की. तो अगर मैं यहाँ पे एक पैरलोग्राम बनाती हूँ, दैट इज पैरलोग्राम, तो पैरलोग्राम
मैंने अभी जस्ट बताया कि इसकी भी दिस इज अ लेंथ एंड दिस इज योर दिस इज लेंथ और ये क्या हो गया सॉरी दिस इज लेंथ और ये कितना हो गया ये विड्थ था ये विड्थ था ओके तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ठीक है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा दिस इज बेस इनटू हाइट जितना इसका बेस है ओके और उसकी कितनी हाइट है तो क्या फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट मीन्स हाइट आपको सपोज दैट यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी ठीक है तो कितना उसका बेस है और उसकी कितनी हाइट है उसको क्या कहेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट दिस इज अ बेस सी दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ हाइट अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ मैं सपोज दैट यहाँ पे सो दिस इज अब ये बेस बन गया ये हाइट बन गई इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको इसको पूरा क्लियर करवाऊंगी इसको कैसे सॉल्व करने हैं अब हम बात करते हैं इसमें स्क्वायर की लाइक सर्कल की दिस इज अ सर्कल ओके ये क्या है सर्कल है सर्कल तो सर्कल का एरिया क्या होता है मुझे एरिया निकालना है इसका तो एरिया क्या होता है पाई पाई की वैल्यू होती है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पाई इज इक्वल्स टू 22/7 और पाई आर स्क्वायर ठीक है पाई आर स्क्वायर तो इससे इसका क्या निकलेगा एरिया फिर आर इज अ रेडियस आर क्या हुआ उसका रेडियस हुआ ओके तो इस चैप्टर में आप पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ेंगे पैरामीटर्स के बारे में और एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे तो जिसमें ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वायर पैरेललोग्राम और सर्कल सबसे पहले जब भी आप अपना होमवर्क करना शुरू करोगे ये चैप्टर शुरू करोगे तो पहले तो हेडिंग्स में पैरामीटर है एरिया और इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन करेंगे इंट्रोडक्शन में क्या आ जाएगा आपका सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे देन यू विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे टिल देन थैंक यू